Dynamics is concerned, it deals with, let's say, study of different type of energy, their interconversion of energies. आज मेनली हम लोग definitions पढ़ पाएंगे काफी सारे, है ना, काफी सारे system के definition, process, properties के definitions, definition of internal energy, work, मैंने देखा ना, आज mainly शायद हम लोग definitions ही पढ़ पाएंगे, है ना, जो भी thermodynamics में लोग use करेंगे. तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अब स्टार्ट भी करते हैं यार. तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स है ना, सो यू कैन से इट डील्स विद अच्छा उसमें ये फील लेना है ना कि आगे चल के मैकेनिकल, केमिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग कैसा होने वाला है. चार साल में क्या पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो थर्मोडायनेमिक्स उसका आइडिया होता है ना. मैकेनिकल, केमिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग मोर ऑफ लेस यही है ना, जैसा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर. सो इट डील्स विद interconversion of different form of energies. तो ये different type के energy और उनके interconversion का study है basically, है ना. मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को अच्छे से? Yes, sir. और बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, आई होप, है ना? अच्छा, नाउ कुछ चीज हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. जैसा फिजिक्स में कुछ फ्री बॉडी डायग्राम डिफाइन करते समय करते होंगे, सिस्टम लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में एक सिस्टम लेते होंगे ना डिफाइन करते समय, फोर्सेस कहां लग रहे हैं. सो यू कैन से इट इज, you can say part of universe which is under consideration of थर्मोडायनेमिकल स्टडी. मतलब लेट्स से यूनिवर्स का ये वो पार्ट है जिसको हम लोग स्टडी करना चाहते हैं थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. एंड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम system is known as its surrounding. तो सिस्टम के अलावा जो भी पूरा यूनिवर्स है वो उसका सराउंडिंग है. System can be divided into three categories. Depending on type of transfer. इसमें इतना लिखा है तुम लोगों ने? नहीं सर. जल्दी से लिख डालो. सिस्टम के डेफिनेशन लिख लिया था कि नहीं? हाँ सर. ओके. आज नोटबुक में लिखना उतना आसान सा नहीं हो रहा होगा तुम लोगों से?
हाँ सर, राइटिंग बहुत गंदी है। हाँ भाई, मेरे मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है ना। सो सिस्टम सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी छुट्टी डिपेंडिंग ऑन द टाइप टाइप ऑफ ट्रांसफर। फर्स्ट यू कैन सिंपली से इट इज ओपन सिस्टम, इट इज क्लोज्ड सिस्टम एंड इट इज लेट्स से आइसोलेटेड सिस्टम। सो ओपन सिस्टम मीन्स लेट्स से इन ओपन कंटेनर यू कैन एज्यूम इट इज H2O लिक्विड प्रेजेंट हेयर। द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड कंटेनर, ये ऐसा आसान सा है कि भाई क्लोज्ड वेसल है और लेट्स से क्लोज्ड वेसल में वी हैव H2O लिक्विड। आइसोलेटेड कंटेनर मीन्स सपोज एक मेरे पास परफेक्टली इंसुलेटेड डबल वॉल थर्मस फ्लास्क है और इस थर्मस फ्लास्क में वी हैव H2O लिक्विड, है ना सर? यस बोलो सर। अगर एक कंटेनर में वैक्यूम है का, उसको भी आइसोलेटेड बोल सकते हैं ना? यस, मतलब वैक्यूम एस सच कोई मीनिंग है नहीं बेटा, है ना? मतलब द पॉइंट इज जैसे मैं ओपन ओपन सिस्टम का मतलब का मीनिंग क्या होता है कि लेट्स से फ्रॉम सराउंडिंग कैन वी से भाई ये बाउंड्री लेट्स से मेरे पास मेरा सिस्टम है, मैं एक इमेजिनरी बाउंड्री ले लूं उसके चारों तरफ, है ना? तो भी लेट्स से ये मेरा सिस्टम है इमेजिनरी बाउंड्री, एनीथिंग इन द यूनिवर्स अपार्ट फ्रॉम दिस सर्किल क्या होने वाला है? इसका सराउंडिंग। तो ये देखो सराउंडिंग से क्या ले सकता था, हीट ले सकता है एंड साइमल्टेनियसली, है ना, साइमल्टेनियसली सम H2O वेपर कैन एस्केप फ्रॉम हेयर। सो यू कैन से इन दिस केस बोथ बोथ हीट एंड मैटर कैन बी ट्रांसफर। मैटर कैन बी एक्सचेंज। सो ओपन सिस्टम में सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट भी ट्रांसफर हो सकता है और मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है। देखो H2O वेपर एस्केप हो गया, है ना? सिमिलरली इफ यू सी द क्लोज्ड सिस्टम, इनक्लोज सिस्टम यार हीट तो ट्रांसफर हो सकता है, बट कैन वी से इन दिस केस नो मैटर ट्रांसफर। सो यू कैन से ओनली हीट ट्रांसफर या ओनली हीट एक्सचेंज। इन द केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ना तो हीट ट्रांसफर हो सकता है और ना ही मैटर ट्रांसफर हो सकता है। सो यू कैन से नो एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ने तीनों सिस्टम का डेफिनेशन उसका मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा एक रफ सा डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। सर वो डॉट डॉट स्ट्रक्चर क्या बनाया था सर्कल में? अच्छा, मैं डॉट डॉट बनाने की कोशिश कर रहा था कि बेटा जिसको हम लोग सिस्टम लेंगे जरूरी नहीं उसका फिजिकली हार्ड बाउंड्री हो। सिस्टम मींस इट्स आवर इमेजिनेशन, मैं कितने पार्ट को अपना सिस्टम लेना चाहता हूँ, है ना? तो मैं चाह रहा था, हाँ सर, अगर अगर वैक्यूम भी रहेगा सर, अगर वैक्यूम में चेंबर है सर, उसमें भी तो हीट में जाएगा ना, तो उसको भी तो आइसोलेटेड बोल सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनी उसमें कुछ नहीं होने वाला है, वो परफेक्टली आइसोलेटेड रहने वाला है।
सर बट टेक्निकली आइसोलेटेड सिस्टम हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मिनिमल हीट एक्सचेंज तो फिर भी होगा सराउंडिंग से, जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं लेट्स से थ्योरी है ना, ये हाइपोथेटिकल केस है ना सर। हां मतलब जैसे मैंने एक परफेक्टली इंसुलेटेड ले लिया ना यार, है ना, हम लोगों ने बड़ा तीन ऐसे सिस्टम डिफाइन कर लिए लेट्स से, है ना। हाँ ये लिखा है सर? नहीं सर, जल्दी लिखो यार, आदमी राइटिंग अच्छी नहीं आ पा रही है। अने अब लिख के हो गया बेटा। हाँ सर। नेक्स्ट में यू कैन से प्रॉपर्टीज, properties of system, दो type के properties हो सकते हैं। Let's say first is you can say extensive properties, extensive properties definition हम लोग लिख सकते हैं। The properties of system, or you can say simply substance, properties of system or substance which is directly proportional to its amount, the properties of system or substance which are directly proportional to its amount. For example, you can simply say mass comma volume etc. We'll discuss ये डेफिनेशन, उसका एग्जांपल समझ में आ रहा है? बहुत मुश्किल सा नहीं है सर, एक बार रिपीट कर सकते हो? ये वो प्रॉपर्टी है बेटा किसी भी सब्सटेंस का जो उसके अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक वन ग्लास ऑफ वाटर एंड टू ग्लास ऑफ वाटर, सो ऑब्वियसली वन ग्लास ऑफ वाटर का जो मास होगा और टू ग्लास ऑफ वाटर का मास होगा वो डबल होगा ना, एग्जैक्टली? Yes, sir. तो जिस प्रोपोर्शन में मैं लेट्स से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाता उसी प्रोपोर्शन में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाता है ना। मोल्स को डबल करेंगे तो मास भी डबल हो जाएगा, मोल्स को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा सब्सटेंस का। ये डेफिनेशन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. SI B part is you can say intensive properties का meaning हो जाता the properties of system or substance which is independent of you can say its amount. Let's say for example density,
ना फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डेंसिटी, सो डू थिंक अगर मैं 1 लीटर हो वाटर लू या 2 लीटर हो वाटर लू, दोनों का डेंसिटी सेम ही होता है ना? Yes. तो डेंसिटी यू कैन से इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. देखो और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता था यहाँ, यू कैन से डायरेक्टली मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. बट Not applicable for intensive property. इसका मैं एक example समझाऊंगा और फिर एक दो questions भी करेंगे इसके बेस पे. Directly mathematical operations are applicable for extensive properties, but not applicable for intensive properties. बोलो. आपने जो समझा आपको समझा है, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था एक्चुअली. कौन सा लेटर? वो आपने करवाया ना वो लिखने का टाइम, तो क्योंकि मैं एक्चुअली लैपटॉप हैंग हो गया था. अच्छा कुछ नहीं किया बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशंस लिखाया है और उसका सिग्निफिकेंस समझाया है, क्या एक्सटेंसिव है क्या इंटेंसिव है ना. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो जितना अमाउंट लेते हैं सिस्टम का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इंटरनल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो सब्सटेंस या सिस्टम के अमाउंट से इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना. जैसे डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और मास या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट है, सो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. जैसा मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ, सपोज मेरे पास यहाँ एक लिक्विड है, यहाँ मेरे पास एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी लेट्स से रो वन है, जिसका लेट्स से मास एम वन है, जिसका वॉल्यूम वी वन है. एक दूसरा मैंने लिक्विड ले लिया जिसका डेंसिटी रो टू है, जिसका मास एम टू है, और जिसका वॉल्यूम लेट्स से वी टू है. अच्छा दोनों को अगर मैंने मिक्स कर दिया है तो यहां एक नया ही सिस्टम बन जाता है ना. कैन यू सजेस्ट मी इस टोटल सिस्टम का मास कितना होने वाला है बेटा? एम वन प्लस एम टू. कोई टेंशन नहीं है, और ऐसा होता भी है ना कि दो सिस्टम को अगर मैं ऐड करूंगा तो उनके मास ऐड हो जाते हैं, है ना. अच्छा मैं इस पे डायरेक्टली मैथमेटिकल ऑपरेशंस मास पे इसलिए लगा पाया कि मास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. यू कैन से डायरेक्टली मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर एप्लीकेबल फॉर कौन सी प्रॉपर्टीज के लिए बेटा? ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव. इंटेंसिव प्रॉपर्टी सो नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना. अच्छा अगर मुझे फाइनली उसका डेंसिटी फाइंड आउट करना होता तो क्या करना पड़ता मुझे? वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ता. हाँ पहले मुझे नेट टोटल वॉल्यूम में वैसा भी लिख सकता था कि मास तो m1 प्लस m2 हो गया, और मे बी लेट्स से टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2 टाइप सा हो जाए. डायरेक्टली तो फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, मतलब
अगर मैंने दो सिस्टम को ऐड किया है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ऐड नहीं होते हैं, है ना? ठीक है, तुमने ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट लिखा था उसका मीनिंग समझ में आ गया तुम लोगों को, कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पे डायरेक्टली मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पे नहीं? Yes. बढ़िया, एक क्वेश्चन तुम लोग मेरे लिए अभी करना, इतना लिख के हो गया है? Yes. So, select intensive and extensive properties from following. Let's say first one, कुछ तुम लोगों का moral boost करने के लिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है? सर नियरली इक्वल होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? द स्पेसिफिक मींस पर यूनिट, है ना? सो स्पेसिफिक वॉल्यूम यू कैन से ये डेंसिटी का रेसिप्रोकल है, या वॉल्यूम पर यूनिट मास है ना? ठीक है, जैसा मैं चार्ज डिवाइडेड बाय मास को भी मैं क्या बोल सकता था? स्पेसिफिक चार्ज, है ना? इसको मैं ऐसा स्पेसिफिक चार्ज भी बोल सकता हूं, है इन सब में से तुम लोगों को बड़ा ये बताना है कि कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तुम लोग क्वेश्चन का मीनिंग समझा है ना? ना तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? Yes, sir. मतलब सॉल्व तो कुछ करना नहीं है यार, मतलब इंटेंसिव या एक्सटेंसिव ऐसा ही कुछ लिखना है तुम लोगों को, है ना? आदित्य सिंह का मुझे आंसर सही आया है यार अभी तक, है ना? आदित्य तूने ये जो लिखा है उसमें सब कुछ सही नहीं है, थोड़ा तो चेंज है ना? एक बार मेरे साथ तुम लोग देख भी सकते हो बेटा। मास, मास क्या है जल्दी बता सकते हो तुम लोग?
एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, डेंसिटी इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटेंसिव है, चार्ज बाय मास रेशियो इंटेंसिव है, चार्ज एक्सटेंसिव इंटेंसिव है, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव, प्रेशर इंटेंसिव। तो जो तुम लोगों का गलत होगा या समझ में नहीं आएगा मुझसे दोबारा से पूछना। मोलैरिटी सर प्रेशर इंटेंसिव एक्सटेंसिव नहीं होगा, अभी देख लेंगे एक बार, मैं सब लिख देता हूँ, जो तुम्हारा गलत होगा या नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछना है ना। ओके सर। पोलैरिटी इंटेंसिव है, सरफेस टेंशन इंटेंसिव इंटेंसिव है, विस्कोसिटी इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है, काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव है, मैं और लिख देता हूँ पीएच, पीएच का नाम सुना है बेटा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या नहीं समझ में आया, कहाँ गलती किया है मुझे बताओ, है ना। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर प्रेशर और मोलैरिटी। अच्छा फर्स्ट एट में जो वन से लेके एट तक है सिर्फ प्रेशर का डाउट है तुम लोगों को? सर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी है, चलो स्पेसिफिक वॉल्यूम तो डेंसिटी का रेसिप्रोकल है बेटा, है ना। तो डेंसिटी अगर इंटेंसिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो इंटेंसिव ही होगा बेटा, है ना। बेटा फर्स्ट सिक्स में कोई डाउट है? नहीं चार्ज, चार्ज सर। अबे एक इलेक्ट्रॉन लेगा या दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डबल नहीं हो जाएगा वन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के? तो चार्ज तो पक्का पक्का एक्सटेंसिव होना चाहिए बेटा, जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाता जाऊंगा उतना चार्ज बढ़ता ही जाएगा, है ना। अब चलो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग बातें करते हैं, जैसे मैं 1 लीटर ऑफ वाटर लू या 2 लीटर ऑफ वाटर लू, उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता है? Okay. हाँ सर। तो बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट तो इंटेंसिव ही होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर पे थोड़ा बहुत हम लोग डिबेट कर सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत, है ना। अच्छा जहां भी तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन होता भी है तो कुछ ऐसा इमेजिन कर लो, देखो, है ना। लेट्स से सपोज ये बॉक्स में, इस मेरे पास वेसल में कुछ गैस है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, है ना। ये लेट्स से मेरे पास सब मिला के है। अभी कुछ और बच्चे में डाउट भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पीस का प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, लेट्स से यू कैन से एम इसका मास है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, सपोज इतना लिख लिया मैंने, है ना। नाउ इफ आई इमेजिन हाफ ऑफ दिस सिस्टम, सपोज अगर मैं इमेजिन करूं हाफ ऑफ इट्स सिस्टम, वॉल्यूम कितना हो जाता है इस हाफ का? हाफ बाई टू। हाफ प्रेशर इस हाफ का कितना हो जाता? रेस्टोरियल सेम। पी टेम्परेचर इस हाफ का कितना होता? टी मास कितना होता? एम बाई टू। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते? एन बाई टू। तो बेटा जो सिस्टम को हाफ इमेजिन करने पे हाफ हो गया है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो प्रेशर मतलब प्रेशर या टेम्परेचर मैंने सिस्टम को हाफ इमेजिन करने पे भी सेम वैल्यू रहा वो इंटेंसिव होना चाहिए, सिंपल सा। जैसे मैं और समझा देता हूं यार, बेटा जिस रूम में तुम लोग बैठे हो, सपोज इफ यू इमेजिन कि अचानक से वहां एक उस रूम में एक वॉल आ जाए जिसकी वजह से वो रूम दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो भी दोनों साइड प्रेशर वन एटमॉस्फेयर ही रहेगा कि नहीं रहेगा, या आधा आधा हो जाएगा? नहीं सर, वन एटमॉस्फेयर ही रहा ना। तो प्रेशर यू कैन से इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ऐसा भी नहीं ना टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस से आधा आधा हो जाएगा, है ना।
नहीं होता ना ऐसा नहीं तो टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा. हाँ वॉल्यूम हाफ हाफ हो जाएगा, उसमें जो मास है वो आधा आधा हो जाएगा एयर का, नंबर ऑफ मोल्स जो होते एयर के वो हाफ हाफ हो जाएंगे, है ना. तो लेकिन हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो करते हैं ना प्रेशर पे. ना बेटा प्रेशर्स को डायरेक्टली हम लोग ऐड नहीं करते हैं टेक्निकली. जैसे अगर प्रेशर को हम लोग डायरेक्टली ऐड करते हैं बेटा दो सिस्टम को ऐड करने से, तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन. देखो ये इमेजिन करो कि अगर मेरे पास एक ये सिस्टम था, है ना, एक ये सिस्टम था, एक मेरे पास ये सिस्टम है सपोज, इसके बीच में अभी पार्टीशन है, दोनों साइड सेम गैस है, यहाँ प्रेशर पी है, यहाँ प्रेशर पी है. अब इस पार्टीशन को मैं हटा दूं तो क्या प्रेशर 2p हो जाता था कि p रहेगा? p रहेगा, p रहेगा बेटा. जैसे फिर से मैं इमेजिन करके देख ले ना कि भाई जिस रूम में तू प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, रूम से बाहर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, तो विंडो ओपन करेगा तो प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाएगा ना. ना हां समझ गया सर. तो ये समझ में आ गया कि प्रेशर इंटेंसिव क्यों है और टेम्परेचर इंटेंसिव क्यों है. हाँ सर. चलो अब मैं प्रेशर को हटा देता हूँ, ये कुछ बच्चों को समझ में आया और ये कुछ बच्चों को समझ में आया, मैं इसको भी हटा देता हूँ. और किसमें कंफ्यूजन है बेटा तुम लोगों को? विस्कोसिटी. बेटा विस्कोसिटी तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस है, सरफेस टेंशन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस है. ये कभी नाम पहले सुने कि नहीं सुने तुम लोगों ने, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन? तो विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो मैं कम मॉलिक्यूल्स लूंगा, मैं ज्यादा मॉलिक्यूल्स लूंगा, बेटा वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस के, है ना. तो उन सब में कोई टेंशन नहीं है, ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होने ही बेटा, किसी सिस्टम के प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली, ना. वाटर का विस्कोसिटी कांस्टेंट ही रहता है ना. यस सर. नाइन्थ में या 14th में कुछ डाउट है? 9th या 14th में? नहीं ना. 13th काइनेटिक एनर्जी. शिखर भाई ये तो कुछ ऐसा इमेजिन कर सकता है कि सपोज यहां दो रॉकेट है, एक का काइनेटिक एनर्जी 1 joule है, एक का काइनेटिक एनर्जी 1 joule है. अगर मैं दोनों रॉकेट को साथ में लूंगा तो काइनेटिक एनर्जी 2 joule हो जाएगा. मैं सिस्टम में सिर्फ एक रॉकेट को लूंगा तो 1 joule होगा. तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाऊंगा, या सिंपली जैसे गैसेस स्टेट में भी देख सकता था ना बेटा, गैसेस स्टेट में काइनेटिक एनर्जीज नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स ऑफ 3/2 RT है कि नहीं है. तो काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट है. तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ना किसी और बच्चे को इन 14th के 14th एग्जाम्पल में कोई डाउट है? कोई डाउट है कि नहीं? नहीं सर. नो सर. नहीं सर. ये एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन समझ के हो गया तुम लोगों का? Okay, so next question is, if X and Y, yeah, मैं instead of X and Y, मैं कुछ ऐसा समझ सकते हैं. Next question is, let's say, let's say following properties. Let's say first is A part. Suppose if it is extensive divided by extensive है कोई, है ना. B part it is, let's say suppose
इंटेंसिव मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंसिव है, सी पार्ट एक्सटेंसिव मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंसिव है एंड डी पार्ट यू कैन से लेट्स से इंटेंसिव डिवाइडेड बाय लेट्स से इंटेंसिव है एंड ई पार्ट लेट्स से एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय इंटेंसिव है. जैसा ए पार्ट एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव क्या हो जाता है? इंटेंसिव. इंटेंसिव हो जाता है ना भाई. जैसा एक्सटेंसिव मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट है ना. अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिवाइडेड बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू थिंक वो इंडिपेंडेंट आ जाता है ना. जैसा एक एग्जांपल अगर हम समझने की कोशिश करते तो जो डेंसिटी है कैन वी से इट इज नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है ना. तो मेरे पास मास एक्सटेंसिव है वॉल्यूम एक्सटेंसिव है दोनों को डिवाइड करते तो इंटेंसिव आ जाता है. यस और नो? हाँ सर. यस सर. बी पार्ट इंटेंसिव मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंसिव. 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 एक्सटेंसिव क्योंकि वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट बच जाएगा है ना. बचेगा कि नहीं? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट बच जाता. यस. अच्छा कोई कोई ऐसे एग्जांपल्स जैसा मैं ये ऊपर वाला ही ले लो ना रोहित. हाँ या मैं देखो मैं बहुत सारे और एग्जांपल भी ले सकता हूँ. जैसा W इज मास इनटू G है ना. तो वेट क्या होगा इंटेंसिव के एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव. मास क्या होता है? Extensive. 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 G क्या होगा? Acceleration into gravity. Intensive. Intensive होगा है ना. तो intensive into extensive, extensive ही बन जाएगा. कोमा तो जैसे मैं ये questions लिखता हूँ. PV should be equal to nRT. उसमें P क्या है? Pressure. नहीं अब प्रयास ना लगे. P तो pressure है. Intensive. Intensive है कि extensive है? और ऐसा मैं प्रोडक्ट साइड में भी देखूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स तो सीधे सीधे एक्सटेंसिव है ना. आर गैस कॉन्स्टेंट है और टी इंटेंसिव. दोनों साइड ही एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव आ जाता है ना. यस और नो? Yes, sir. The C part, चलो. Extensive into extensive. Extensive. Extensive ही होगा ना? ना बेटा एक तो ये समझना कि ये directly proportional तो नहीं बचा है ना? भाई ये directly proportional नहीं होगा ना? ये तो amount का square के proportional हो जाएगा technically है ना? हाँ sir. So कहने के लिए कुछ मैं ऐसा समझ सकता हूँ. No significance. No significance means the science में ऐसे कोई फार्मूले नहीं होते जहां तुम लोगों ने extensive और extensive को मल्टीप्लाई किया होगा. पता है साइंस में ऐसे कोई प्रॉपर्टीज नहीं है जहां extensive को extensive से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा. जैसा भाई जो भी देखो ऊपर जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़ रहे हैं वो इंटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव ही है ना टेक्निकली. देखो है ना ये एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाई एक्सटेंसिव है ना. भाई कहीं हम लोग ऐसा नहीं लिखते ना मास इनटू वॉल्यूम है ना. मास इनटू वॉल्यूम कुछ होता है? नहीं कुछ नहीं होता है ना. ऐसा ही इंटेंसिव डिवाइडेड बाय इंटेंसिव. नो सिग्निफिकेंस. उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना. हाँ ऑल्दो जो भी कुछ आएगा वो रहेगा इंटेंसिव ही है ना. यहां जो भी कुछ ये आता ये पक्का रहता इंटेंसिव है.
बट अगेन है ना, मतलब उसका भी एज सच कोई सिग्निफिकेंस है नहीं बेटा, है ना। तो कोई फार्मूला ऐसा नहीं है कि मैं इंटेंसिव को इंटेंसिव से डिवाइड करते हैं ना। नोट सिग्निफिकेंस मीन्स मतलब ऐसा कोई साइंस में हम लोग प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं करते, और है भी तो लेट्स से वो इंटेंसिव हो, है ना। ई ई पार्ट में सर एक्सटेंसिव, ये तो पक्का पक्का। ये पक्का पक्का एक्सटेंसिव है, जैसे मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी वॉल्यूम हो जाता। तो ये रिलेशन में समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? किसी बच्चों को डाउट है इसमें कुछ? इंटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव का क्या होगा? इंटेंसिव यार वो भी मतलब उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप दिखेगा मुझे, मतलब जैसे जो मैक्सिमम रिलेशन हम लोग के पास होते हैं ना, जो मैक्सिमम रिलेशन हम लोग के पास होते हैं वो इस टाइप के देखो, है ना। कोई भी साइंस में लो इमेजिन करने की कोशिश करो, है ना, वो उस टाइप के होते हैं, है ना, या इस टाइप के होते हैं, है ना, या इस टाइप के होते हैं, है ना। जो भी फार्मूले, कोई भी फार्मूला इमेजिन करने की कोशिश करो, है ना। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन क्लियर हो गया, इंटेंसिव क्या है एक्सटेंसिव क्या है। yes. कोई डाउट है इसमें? अपार्ट फ्रॉम लेट्स से प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट इज यू कैन डिफाइन प्रोसेस। ये है लास्ट पेज। यस सर, डन। नाउ लेट्स से नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स ऑब्वियसली एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव करना। सो आई कैन डिफाइन प्रोसेस एज सिंपली, यू कैन से सपोज ये स्टेट वन है। स्टेट वन मीन्स जहां सिस्टम का सपोज प्रेशर पी वन हो सकता था, वॉल्यूम वी वन हो सकता है, टेम्परेचर टी वन हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स एन वन हो सकते हैं, एनीथिंग लाइक दिस, है ना। एंड फ्रॉम दिस स्टेट वन if system moved to let's say this may be state 2, state 2 means jahan pressure p2 ho sakta hai, volume v2 ho sakta hai, temperature t2 ho sakta hai, aur number of moles n2 ho sakta hai. So ye jo path hai from state 1 to state 2, it may be defined as process, hai na. समझ में आ रहा प्रोसेस का मीनिंग क्या है? हाँ सर। जैसे वो पाथ जहां से वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है सिस्टम, है ना। क्लियर है? यस सर। अच्छा, बहुत सारे प्रोसेस नो डिफाइन कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस का नाम पहले भी सुना हुआ है। सो इफ यू सी टाइप ऑफ प्रोसेस में वन ऑफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। वन ऑफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या मीनिंग है आइसोथर्मल प्रोसेस का? टेम्परेचर। आइसो मीन्स सेम और थर्मल मीन्स रिलेटेड टू टेम्परेचर, है ना। सो यू कैन से थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिफरेंशियली डीटी इक्वल टू जीरो, किसी डिफरेंशियल स्टेप के लिए भी नो चेंज इन टेम्परेचर, है ना। हाँ सर। ऑब्वियसली ये तो हमेशा होगा ही होगा, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर भी सेम होगा ही, है ना।
सिमिलरली फॉर लेट्स से आइडियल गैस कैन वी से इट इज P1V1 या मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूं PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P1V1 शुड बी इक्वल टू P2V2 अच्छा इसमें बहुत ज्यादा समझने की शायद जरूरत भी नहीं है कैसा ग्राफ आएगा यहाँ पीवी डायग्राम कैसा आएगा पीवी डायग्राम कैसा आने वाला है स्ट्रेट लाइन बॉयल्स लो हाइपरबोला ना सर हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा बेटा बॉयल्स लो यस अच्छा ऐसा ही जैसे आइसोथर्मल है इट इज आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर मींस बार बार मतलब प्रेशर से रिलेशन प्रेस तो हेयर यू कैन से प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट है ना यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी शुड बी इक्वल टू जीरो डेल्टा पी शुड बी इक्वल टू जीरो एंड फॉर लेट्स से आइडियल गैस कैन वी से वी डिवाइडेड बाय टी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट सेम एज चार्ल्स लो है ना एंड वी वन डिवाइडेड बाय टी वन शुड बी नथिंग बट वी टू डिवाइड बाय टी टू ये भी क्लियर है आई होप सी पार्ट Let's say it is isochoric process. Sir, वो T by V नहीं आना चाहिए. अरे T by V लिख ले, फर्क क्या पड़ेगा भाई? मैं T by V लिख ले, V by T लिख ले, बेटा. अगर V by T है, उसका reciprocal भी तो constant ही होगा. Volume remain constant ना? So isochoric means volume will remain constant. Volume will remain constant means dv equal to zero, delta v equal to zero, and for let's say ideal gas, you can say P divided by T equal to constant, yeah, you can say P1 divided by T1 should be equal to P2 divided by T2. इन तीन प्रोसेसेस में कोई डाउट है तुम लोगों को नहीं तो ये नाम याद करने हैं बेटा एक का नाम आइसोथर्मल है एक का नाम आइसोबारिक है एक का नाम आइसोकोरिक है तो दो और है ना अभी बहुत सारे हैं बेटा लिखते हैं ना ये तीन लिख के हुआ यस सर ओके यस सर एक सेकंड चलो मैं इतने ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ लेट्स से डी पार्ट इट इज लेट्स से आइस या इंस्टेड ऑफ आइसो ये डिफाइन हम लोग ऐसा कर सकते हैं इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस शायद कभी पहले पढ़ा हो तुम लोगों ने एडियाबेटिक प्रोसेस इसका मतलब क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम डज नॉट चेंज एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग वेरी गुड सो नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग adiabatic process means no heat transfer between system and surrounding बेटा पूरे थर्मो में जो हीट का सिंबल होने वाला है वो q है ना तो आई कैन से डी क्यू इक्वल टू जीरो या यू कैन से q इक्वल टू जीरो q
क्यू सिंबल होने वाला है यहाँ हीट का. तो डी क्यू इक्वल टू जीरो है या क्यू का वैल्यू इक्वल टू जीरो है. एडियाबेटिक प्रोसेस. सो नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. डिफरेंशियल हीट ट्रांसफर भी जीरो है ना. फर्दर फोर लेट्स से यू कैन से आइडियल गैस इन अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस PV raised to the power gamma equal to constant है. गामा क्या है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख भी लेंगे. बट गामा का वैल्यू मोर देन वन है. या यहां से मैं बोल सकता था P1V1 raised to the power gamma should be nothing but P2V2 raised to the power gamma. गामा वी की पावर है या फिर होल में. बेटा गामा सिर्फ वॉल्यूम का पावर है ना. तो एक रिलेशन तो देखो हम लोग ऐसा लिख सकते थे जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन है. ऐसा ही लेट्स से इसको मैं लिख सकता हूं एन आर टी वन डिवाइडेड बाय वी वन टाइम्स ऑफ वी वन रेस टू द पावर गामा is nRT2 divided by V2 and V2 raised to the power gamma. तो यहां से एक रिलेशन देखो मेरे पास और बन सकता था T1 V1 raised to the power gamma minus 1 is T2 V2 raised to the power gamma minus 1 and this may be equation 2V. Yes, बोलो. एडियाबेटिक प्रोसेस का एक्सप्लेन कर सकते हैं. द एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है जिस प्रोसेस में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में. फिर वो गामा क्या है. गामा एक एडियाबेटिक कोफिशिएंट है. वो नेक्स्ट लेक्चर या उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझ ही भी लेंगे. अभी के लिए बस ये समझो कि वो मोर देन वन होता है ना. ओके सर. अरे इस बच्चे का साउंड बड़ी खतरनाक आ रहा है. जैसा ये मैंने एक रिलेशन प्रेशर एंड वॉल्यूम का डिराइव कर लिया. एक रिलेशन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का है. ऐसा ही हम लोग टेम्परेचर एंड प्रेशर का भी डिफाइन कर सकते थे. देखो है ना. जैसा पी इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम यू कैन पुट एन आर टी वन डिवाइडेड बाई पी वन रेस टू द पावर गामा इज लेट्स से पी टू nRT2 divided by P2 raised to the power gamma. यहां से जो मेरे पास रिलेशन बचता it is T1 raised to the power gamma P1 1 minus gamma is nothing but T2 raised to the power gamma and P2 raised to the power 1 minus gamma. This will be another reason. हाँ, ये क्लियर है कि नहीं सर. ये एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. हाँ बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस है. मतलब जैसा कुछ ऐसा समझ सकता है तो मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0°C. मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0°C इज आइसोथर्मल प्रोसेस. क्योंकि टेम्परेचर हमेशा 0°C का 0°C रहता है थ्रू आउट द मेल्टिंग. बट हीट हम लोग को सप्लाई करना पड़ता है. तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है. वो एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है ना. समझा. हाँ सर. हाँ डिफरेंस है ना आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक में. एडियाबेटिक का मतलब होता है नो हीट ट्रांसफर और आइसोथर्मल का मीनिंग होता है नो चेंज इन टेम्परेचर. ये जो बोर्ड पे लिखा है वो सब ऐसे डिराइव कर लोगे तुम लोग भी आसान सा ही भाई. वो सी इक्वल टू एनआरटी यूज किया है ना.
इतना लिख के हुआ है तुम लोगों का ये? नो सर। सर इतने अभी ऐसे कितने प्रोसेसेस हैं? मैंने बोला ना आज कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे, है ना? तो और भी डेफिनेशंस हैं आज अभी। आज सिर्फ डेफिनेशंस हैं मतलब? मतलब मोस्टली डेफिनेशंस आज, है ना? मोस्टली देखो कितना टाइम हमारे पास बचता है। ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक के डाउट्स वगैरह कभी करेंगे सर? वॉल्यूमेट्रिक के डाउट्स आज लास्ट के 15 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास के 15 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा बहुत करके हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। हाँ ये लिखे हुआ है ना जो बोर्ड पे है? यस सर। बढ़िया। वन ऑफ द क्वेश्चन इज, लेट्स से identify reversible isothermal isobaric isochoric and adiabatic process from following। क्या है? On this axis it is pressure, on this axis it is volume। एक process ऐसा है, एक process ऐसा है, एक प्रोसेस ऐसा है और एक प्रोसेस ऐसा है। तो इन चारों कलर्स में से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिवर्सिबल आइसोकोरिक है, कौन सा रिवर्सिबल आइसोकोरिक है, कौन सा रिवर्सिबल आइसोथर्मल है और कौन सा रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। आई होप दो तो मैं भी पहचान सकता हूं तुम लोगों के लिए। जैसा रेड वाला क्या है? भी रेड वाला रिवर्सिबल आइसो बारिक है, प्रेशर कॉन्स्टेंट ही रहा है। मैं ग्रीन वाला भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ आसानी से। ये रिवर्सिबल आइसो थर्मल। हाँ, अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है। सॉरी, ये रिवर्सिबल आइसोकोरिक। अब ब्लैक वाले में और ये लेट्स से येलो वाले में मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा रिवर्सिबल आइसो थर्मल है और कौन सा रिवर्सिबल एडियाबेटिक है? सर जो ज्यादा एक्सपोनेंशियल रहेगा वो आइडिया, जो ज्यादा एक्सपोनेंशियल रहेगा सर, क्योंकि इन वन से ज्यादा है ना उसके बाद हमेशा, इसलिए। जब है तो कहीं वहां कैच, सपोज ये कॉमन पॉइंट है ना सबके लिए। यस। अच्छा, इसके लिए मैं लिख लेता हूँ कि सपोज यहाँ मेरे पास प्रेशर पी है और सपोज वॉल्यूम एक वी है, ठीक है, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। चलो, अच्छा यहां मेरे पास जो स्लोप है डीपी वाई डीवी कितना होगा बेटा? यहां आइसोबारिक के लिए जीरो है। जीरो। अच्छा, आइसोकोरिक के लिए डीपी वाई डीवी कितना है? नॉट डिफाइंड, मतलब टेंस टू इन्फिनिटी ऐसा बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो इन जनरल मेरे पास जो स्लोप है, इन जनरल मेरे पास जो स्लोप है इस ग्राफ में वो डीपी बाई डीवी है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा चलो, अब ऐसा वन बाई वन दोनों के लिए देख लेते हैं। सो फोर आइसोथर्मल, फोर आइसोथर्मल कैन बी से पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ऐसा ही है?
अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ पीवी को, तो पीवी का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? जीरो जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई वाले रूल से डिफरेंशिएट कर दो, तो डू यू थिंक ये आ जाता पी प्लस वी टाइम्स ऑफ डीपी वाई डीवी, आएगा कि नहीं उतना? हाँ सर। अच्छा, फ्रॉम हेयर कैन वी से स्लोप विच इज डी पी वाई डी वी इज नथिंग बट माइनस पी वाई वी, यही होगा ना आइसोथर्मल का स्लोप। Yes. जो ब्लू में लिखा है वो समझ में आ रहा है ऐसा कि नहीं? लेकिन सर, लेकिन dp by dv तो जीरो है ना। अब dp by dv किसके लिए जीरो है? आइसोबारिक के लिए। आइसोबारिक के लिए जीरो था ना बेटा, हम आइसोथर्मल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा चलो, ऐसा ही एडियाबेटिक के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एडियाबेटिक, जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है ना। अच्छा यहां भी मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, डिफरेंशियल ऑफ पीवी रेस टू द पावर गामा इक्वल टू जीरो, मैं लिख पाएंगे कि नहीं ऐसा? यस सर। चलो मुझे जल्दी से यहां से बताना कि यहां जो स्लोप है डीपी वाई डीवी उसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा? माइनस ऑफ, डिफरेंशिएट करो और मुझे जल्दी से आंसर बताओ उसका। P by V गामा, मतलब ऐसा ना, माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी वाई वी, ये ऐसा है? कुछ और है तुम लोगों का? ये डिफरेंशिएशन आता है, भूल गए हो तुम लोग? आता है। देखो सबको ऐसा ही डिफरेंशियल आना चाहिए, माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी वाई वी। हाँ सर समझे। ऐसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, और ये मुझे पता है कि गामा का वैल्यू वन से बड़ा होता है ना, ये जो गामा का वैल्यू है वो वन से बड़ा है। अब दोनों ग्राफ को ये मैथमेटिक्स देखने के बाद मुझे बता सकते हो क्या ब्लैक और येलो में कौन सा रिवर्सिबल आइसोथर्मल है और कौन सा रिवर्सिबल एडियाबेटिक है? ब्लैक एडियाबेटिक। ब्लैक एडियाबेटिक है। अच्छा, किसी एक प्रेशर एक वॉल्यूम के लिए, किसी एक पी एंड वी के लिए किसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, एडियाबेटिक का कि आइसोथर्मल का? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का। तो एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, इट मींस येलो, येलो वाले का स्लोप ज्यादा नेगेटिव नहीं है उस प्रेशर एंड वॉल्यूम के लिए? यस सर। तो ये मेरे लिए हो जाना चाहिए था एडियाबेटिक, और ये मुझे हो जाना चाहिए था आइसोथर्मल। अगर मैं किसी एक प्रेशर वॉल्यूम के लिए देखूं, है ना, किसी भी एक प्रेशर एंड वॉल्यूम के लिए अगर मैं देखूं, तो एक स्लोप है देखो मेरे पास ये, और एक स्लोप है मेरे पास ये, है ना, ये है ना स्लोप। तो भाई ये जो येलो वाले का स्लोप है वो ज्यादा नेगेटिव नहीं है? ना स्लोप का मीनिंग समझ में आता है ना कि नहीं? हाँ सर। हाँ बहुत अच्छे बात। हाँ, इसको लिखो, समझो, कुछ डाउट्स रहेगा तो फिर से पूछो।
हाँ ये समझ के हुआ है देखो शिखर नालायक देखो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है येलो इज मोर नेगेटिव हम लोग कैसे बोल सकते हैं मार पड़नी चाहिए तुझे तो एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है अच्छा मैंने चलो ब्लैक वाला मैं ऐसे ही बनाता हूँ जैसे वहां है शिखर इन दोनों ग्राफ में इस पॉइंट पे किसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव है भाई ब्लैक या येलो ब्लैक का स्लोप ज्यादा नेगेटिव है कि येलो का स्लोप ज्यादा नेगेटिव है इधर येलो का भाई इस पॉइंट पे येलो का स्लोप ये है ना बेटा और इस पॉइंट पे ब्लैक का स्लोप ये है तो मुझे येलो ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है भाई हाँ यस किसी और अच्छे बच्चे को डाउट है मैं डाउट्स पूछ लिया करो तुम लोग मैं क्या बोलूंगा गधा बोलूंगा नालायक बोलूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में है ना नहीं नहीं सर अच्छा बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग तो एक दो अच्छे बच्चे डाउट पूछते रहते हैं शिखर डाउट पूछता रहता है वरेन तुम बिल्कुल डाउट नहीं पूछते हो भाई सर अभी तक आया नहीं है ये चैप्टर नहीं नहीं अच्छा अभी तक डाउट आया नहीं इस चैप्टर में ऐसा हाँ सर क्या बात कर रहा है लगता फिर मैं बहुत आसान पढ़ा रहा हूँ सोहम अच्छा पढ़ा रहे हो इसलिए अच्छा सोहम तुम्हारे डाउट्स सोहम जगदाले हाँ सर क्या हुआ हाँ डाउट्स नहीं तुझे कुछ सर पूछता हूँ एक सेकंड बुक लेके आता हूँ अबे नहीं ना लाइक जो अभी चल रहा है क्लास में उससे ले पूछ रहा हूँ मैं सर सर नहीं इसमें नहीं मैं लगता तू नाश्ता कर रहा था यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं पूछ के आ रहा हूँ तुझसे पार्ट नहीं मुझे लगा आप वॉल्यूमेट्रिक के डाउट शुरू कर रहे हो हाँ भाई नहीं सर पहला दिन है ना सर वेकेशन के बाद तो थोड़ा नींद आ रहा है सबको अच्छा देवांश परमार तो अच्छा बच्चा है शायद वो डाउट पूछता भी है यस देवर्ष घनात्रा यस सर हाँ मेरा कोई डाउट नहीं है तुझे सर समझ गया ये तो कुछ तो डाउट्स बनाओ बेटा सर वॉल्यूमेट्रिक का है वो पूछू सर नहीं अभी देखो अभी आएगा उसका नंबर भी आएगा उसमें पूछना रुको है ना हाँ सर ठीक तो ये सबका लिख के हुआ है नीचे का डिफरेंशिएट करके बताओ ना मिस्टेक हो रहा है नहीं समझ रहा कौन सा डिफरेंशिएट तुमसे नहीं हो रहा है इंटीग्रेटिंग ग्राफ नहीं हो रहा मेरे से कौन सा वाला डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है सर लास्ट गामा एडियाबेटिक वाला हां सर मतलब राइट नहीं आ रहा रॉन्ग हो रहा है सर कौन इधर 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 देखो है ना इसको जब डिफरेंशिएट करेगा तो चेन रूल से ऐसा लिख पाएगा कि नहीं क्या बोलते हैं चेन ही रूल बोलते थे मल्टीप्लाई वाले को प्रोडक्ट हाँ, रूल जो कुछ भी बोलते थे चेन रूल चेन अच्छा प्लस v रेस टू द पावर गामा ये सॉरी मैंने p लिख लिया ये v dv एंड ये आ जाता dv टाइम्स ऑफ p ऐसा लिखेगा कि नहीं इसको लेफ्ट हैंड साइड को हाँ सर अच्छा इक्वल टू जीरो सर लेकिन d by dp p of सर ने ये प्रोडक्ट रूल लगाया है प्रोडक्ट रूल भाई प्रोडक्ट रूल दो टर्म है ना नहीं सर ने लेकिन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर है ना अरे तो, ये पर सकते हैं भाई देखो उस बच्चे को इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि ये dp by dv था बेटा करेक्शन करना उसमें है ना ओके सर स्लोप है ना
अब मैं समझाया ना तुम्हें, क्यों नहीं समझ में आ रहा था? आवाज आएगा कि नहीं? हाँ सर, कोशिश कर लूंगा। हाँ देखो, इतनी बड़ी गलती थी और बाकी सब बोल रहे थे हाँ 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 सब कुछ अच्छा है, और कोई तो बच्चा ऐसा ही बोल रहा था कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है ना। सर नहीं, आपने पहले डीपी बाय डीवी लिखा था तो मैंने वैसे ही कॉपी। हाँ सर, हमने डीपी बाय डीवी, हमने बुक में डीपी बाय डीवी लिखा है। अच्छा ठीक है सर, नीचे डीपी है मतलब जो हमने राइट साइड में देख लो सर, आपने लिखा हुआ है। नहीं वो तो ठीक है, हम अभी देखो ये ऐसा प्रोडक्ट रूल लगा लेना बेटा, आ जाएगा उससे। ठीक है? यस सर। सो फोर टाइप के प्रोसेस हम लोगों ने अभी तक पढ़े, एक आइसोथर्मल, एक एडियाबेटिक, एक आइसोबारिक और एक आइसोकोरिक। नेक्स्ट वन, लेट्स से इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस, सो यू कैन से, ये थोड़ा बड़ा ध्यान से देखना, रिवर्सिबल प्रोसेस। The process which is carried out, the process which is carried out with एक एक टर्म होता है ये कुछ ऐसा, इनफाइनाइट सिमली स्लो स्पीड। अच्छा इसका मतलब क्या होने वाला है, इनफाइनाइट सिमली स्लो स्पीड मींस बहुत स्लो स्पीड है ना, जीरो के बराबर। हाँ मतलब टेंडिंग टू जीरो के बराबर है ना। सो द प्रोसेस विच इज कैरीड आउट विद infinitely slow speed, such that system always remain in thermal equilibrium। मैं इसका मीनिंग समझ लूंगे, इसका शॉर्टकट में लिख देता हूं, इक्विलिब्रियम है ना। द प्रोसेस व्हिच इज कैरीड आउट विद इनफाइनाइटली स्लो स्पीड सच दैट सिस्टम ऑलवेज रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। फर्दर यू कैन से एवरी स्टेप of the process can be reversed every step of the process can be reversed by exactly same path बेटा ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? बहुत कम, बहुत ज्यादा सॉरी मतलब इनफाइनाइट टाइम लगेगा टेक्निकली। अच्छा सो टू कंप्लीट given process system will take, हम लोग कुछ ऐसा लिख लेते हैं, infinite time, it is also known as क्वासी
स्टैटिक प्रोसेस, मतलब ऐसा दिखेगा कि प्रोसेस रुका हुआ है बट एक्चुअली वो चल ही रहा होगा प्रोसेस, है ना. इट इज ऑल्सो नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. और भी चीजें पहले लिख लेते हैं फिर समझ भी लेंगे सब कुछ मिला के, है ना. इस प्रोसेस का जो ड्राइविंग फोर्स होगा और इस प्रोसेस का जो अपोजिंग फोर्स होगा उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा या अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे? अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे, क्योंकि अगर ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होता तो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता, है ना. सो यू कैन से ड्राइविंग फोर्स एंड opposing force of process should be approximately same. So, jo driving force and opposing force hai process ka, it should be approximately same. No process is 100% reversible. It is quasi static process. हाँ बेटा, quasi static process. It is just a, you can say, hypothetical concept. It is just a hypothetical concept. चलो मैं अब प्रोसेस को फिर से समझाता हूं. सो डायग्राम ड्रॉ करके भी बताऊंगा, मैं फिर से डिफाइन करता हूं स्टार्टिंग में एक एक पैराग्राफ. जो पैराग्राफ नहीं समझ में आएगा बेटा फिर से पूछना. द प्रोसेस विच इज कैरीड आउट विद इनफाइनाइटमसली स्लो स्पीड सच दैट सिस्टम ऑलवेज रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम. एक यहां जो नया टर्म शायद तुम लोगों ने आज सीखा, नया टर्म एक पढ़ा, ये इनफाइनाइटमसली स्लो स्पीड मींस वेरी स्लो स्पीड ऐसा बोल सकते हो ना, बहुत स्लो स्पीड है वो, जितना छोटा तुम लोग इमेजिन कर सकते हो उसको. एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय एग्जैक्टली सेम पाथ. जिस पाथ से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया था एग्जैक्टली उसी पाथ से वापिस रिवर्स्ड हो जाता है. इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए टेक्निकली इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए था क्योंकि ये इनफाइनाइटमसली स्लो स्पीड के साथ जा रहा था. इस प्रोसेस का नाम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी है. इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है एंड अपोजिंग फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है. कोई भी प्रोसेस 100% रिवर्सिबल नहीं है, ये बस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना. ड्राइविंग फोर्स वाला एक और एक्सप्लेन कीजिए ना. अब एक एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, उसे समझ भी लेंगे कि ड्राइविंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स का क्या मीनिंग क्या है. बट ये जो टर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं उन हर एक टर्म का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है जो प्रोसेस को ड्राइव करे. अपोजिंग फोर्स का मतलब ये है कि जो प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहा होगा, है ना. यस सर. हाँ बोलो. ये प्रोसेस 100% रिवर्सिबल नहीं है ये हाइपोथेटिकल है कि कोई प्रोसेस 100% रिवर्सिबल है ये हाइपोथेटिकल है? कोई भी प्रोसेस 100% रिवर्सिबल नहीं है एंड दस ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. अच्छा, बड़ा रिवर्सिबल प्रोसेस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ऐसा समझ सकता है. जैसे यू नो ना, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होता ना, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना. यस सर. मैं इतना लिख के हो गया तुम लोगों का? सर इसका एक एग्जांपल दो ना, मतलब जो सबसे करीब आता है. बस अभी देखेंगे बेटा, पहले ये पूरा लिख के हो गया है? हाँ सर लिख के हो गया. चलो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल suppose if we have expansion of gas,
ना, सपोज मेरे पास एक गैस के एक्सपेंशन का एग्जांपल है, तो ये दोनों मतलब ये पूरा पार्ट अच्छे से समझने की कोशिश करना, उससे शायद थोड़ा समझ में आए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग क्या है। उसको समझने के लिए कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि भाई एक मेरे पास सिलेंडर है यहां विच हैव लेट्स से मूवेबल पिस्टन अटैच्ड है, यहां मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। सो यू कैन इमेजिन कि ये जो पिस्टन है इट इज मासलेस फ्रिक्शनलेस, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि भाई कोई भी एक इमेजिनरी बाउंड्री है बस, ये है ना, कोई मास नहीं है पिस्टन का सपोज और कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहां प्रेशर सपोज 10 एटमॉस्फेयर है और जो पी एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो सपोज 1 एटमॉस्फेयर है, तो ये एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा? नहीं, एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा यहाँ? एक्सपेंशन होगा। अरे कुछ समझने का था ही नहीं बेटा अभी तक, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि भाई गैस का प्रेशर सपोज 10 एटमॉस्फेयर है और जो बाहर का प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। Yes, तो ये गैस पक्का पक्का एक्सपेंड करेगा ना भाई, और कैन बी से जब तक एक्सपेंशन होता रहेगा जब तक इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। हाँ सर, भाई पिस्टन पे नीचे से 10 एटमॉस्फेयर लग रहा है, ऊपर से 1 एटमॉस्फेयर लग रहा है, तो नीचे से ज्यादा फोर्स लग रहा है पिस्टन पे तो ऊपर उठ जाएगा पिस्टन, सिंपल सा। ये समझ में आ रहा है इतना? हाँ सर। अच्छा, अब बस मुझे ये समझाने की कोशिश करना कि जैसे ये पिस्टन थोड़ा मूव होके लेट्स से ऊपर आया, सपोज भाई ये पिस्टन मूव होके सपोज यहां आ गया, सपोज यू कैन इमेजिन जैसे ये मूव होना स्टार्ट हुआ ऊपर मूव होके ऐसा आ गया, तो डू यू थिंक सडनली मेरे पास कुछ ऊपर वैक्यूम क्रिएट होगा कि नहीं होगा? जैसे पिस्टन ऊपर मूव करा तो ये बीच वाला पोर्शन खाली हो जाएगा कि नहीं होगा? सर नहीं समझा। क्यों सर, गैस भी तो जाएगा ऊपर। अच्छा, गैस भी जाएगा, बट गैस तो तब मूव करेगा ना जब पिस्टन पहले ऊपर मूव कर जाएगा, जैसा ये साथ में मूव नहीं करेगा सर। मतलब साथ में भाई, मतलब अगर ये सोचना, अगर ये प्रोसेस फास्ट हो रहा है, अगर प्रोसेस फास्ट हो रहा है तो पहले पिस्टन मूव करेगा, फिर जैसी गैस को आइडिया आएगा कि भाई उधर मैं और स्पेस मेरे पास मिल रहा है एक्सपेंड करने के लिए, तो गैस एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। हाँ सर, तो यू कैन इमेजिन, मतलब ऐसा फिजिकली इमेजिन करने की कोशिश करना कि भाई तू एक वॉल के साइड में लगा के खड़ा हुआ था, है ना, अब वो वॉल मूव हो गया तो जो और स्पेस मिला ना उधर जाने का, तो फिर तू मूव होके उस स्पेस को और ऑक्यूपाई कर लिया तूने, है ना। हाँ सर, समझा। तो सडनली ये वाले जो पार्टिकल्स होंगे, ये जो ऊपर वाला लेयर है गैस मॉलिक्यूल का, इनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि वो जो खाली स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए तेजी से मूव करेगा। यस और नो? हाँ सर। अच्छा, तो एक ये वाली लेयर है इस सिस्टम की और एक ये वाली लेयर है इस सिस्टम की, इसका टेम्परेचर सपोज अगर T1 है, इसका टेम्परेचर अगर T2 है, तो दोनों टेम्परेचर सेम होंगे ड्यूरिंग एक्सपेंशन कि अलग अलग होंगे? सेम होंगे। अलग अलग सेम होंगे सर। बेटा अलग अलग होगा, यू कैन इमेजिन सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी, Do you think उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? हाँ सर, क्योंकि वो उसके जस्ट एडजेसेंट वैक्यूम है ना। हाँ। अगर उसके जस्ट एडजेसेंट वैक्यूम है तो उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए ज्यादा मूव कर रहे होंगे पार्टिकल्स। हाँ सर। जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो एकदम स्टैटिक सी दिखाई देगी स्टार्टिंग में, है ना। हाँ। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? नहीं। बट
हर लेयर का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा मुझे अलग दिखाई दे सकता है ना? यस सर। तो एज ए होल इस सिस्टम का कोई मैं एक टेम्परेचर टी डिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकते, है अच्छा। अब ये पिस्टन मूव ऊपर होता गया होता गया होता गया, जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता तब पिस्टन क्या हो जाता, मूव करना रुक जाता। हाँ सर। और फिर कुछ टाइम के बाद पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाता कि फिर भी अलग अलग रहता? सेम सेम हो जाता। फिर सेम हो जाता तो वापिस से वो इक्विलिब्रियम में आ जाता। बट कैन वी से थ्रू आउट द प्रोसेस कभी भी ये जो गैस वाला सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है? हाँ। तो यही ऐसे ही प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस होते हैं, और इन प्रोसेस को मैं बोल सकता हूं कि दे आर, लेट्स से, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो एक्चुअल प्रोसेस ऐसा ही है, लेट्स से, है ना। नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू इमेजिन अनदर सिचुएशन, सपोज ये मेरे पास सिमिलर टाइप का सिलेंडर एंड इट हैज ए मूवेबल पिस्टन, यहां मेरे पास गैस है सिमिलर टाइप, और अब इस पिस्टन के ऊपर ऐसे कुछ, लेट्स से यू कैन जस्ट ट्राई टू इमेजिन डस्ट पार्टिकल्स हैं, मेरे पास कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल हैं, और अभी ये बैलेंस सिस्टम है। बैलेंस सिस्टम मींस ना तो पिस्टन ऊपर जा रहा था और ना ही पिस्टन नीचे आ रहा था। नाउ हाइपोथेटिकली इफ यू जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि एक डस्ट पार्टिकल मैंने पिस्टन से हटा दिया, क्या होगा फिर? ऊपर जाएगा पिस्टन, ऊपर जाएगा। कितनी स्पीड से जाएगा? वेरी स्लोली, बहुत कम, मतलब बहुत ही स्लो स्पीड से जाएगा शायद। डू यू थिंक जिस स्पीड से मूव करेगा उतने टाइम में पूरे सिस्टम में हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन भी हो जाएगा क्या? हाँ सर। अब यू कैन इमेजिन कि मैं इनफाइनाइट टाइम तक एक एक डस्ट पार्टिकल यहां से हटाता रहूं, क्या होता रहेगा? पिस्टन मूव करता रहेगा ऊपर, है ना। बट कितना टाइम लगेगा ये सब हटाने में डस्ट पार्टिकल्स? इनफाइनाइट टाइम टाइप का, है ना। और क्योंकि प्रोसेस इतना स्लो पिस्टन मूव ऊपर करने वाला है कि जैसे ही मैं दूसरा डस्ट पार्टिकल हटाने का नंबर आएगा हमेशा मैं सिस्टम का एक टेम्परेचर डिफाइन कर ही सकता रहूंगा, है ना। हाँ सर। तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। अच्छा, यहाँ ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये जो अंदर का प्रेशर है। हाँ सर। यहाँ जो अपोजिंग फोर्स क्या है? डस्ट पार्टिकल एंड ऑल दिस थिंग, है ना। तो यहाँ ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स अप्रोक्सीमेटली सेम है कि नहीं है? हाँ सर, सेम। हाँ सर। तो कैन वी से इट इज क्लोज टू रिवर्सिबल? हाँ। 100% नहीं होगा ना लेकिन। हाँ बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बस एक मैंने ऐसा एग्जांपल समझा जो क्लोज टू रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग क्या है? हाँ सर। यस, चलो, आप कुछ डाउट्स पचा है इससे डेफिनेशन से रिलेटेड तो पूछो मुझसे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग वो है जिसमें लेट्स से ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स अप्रोक्सीमेटली सेम है। अच्छा, इस प्रोसेस को अगर मुझे वापस करना है तो बस क्या करना स्टार्ट कर दूं? एक एक डस्ट पार्टिकल वापस से पुट करना स्टार्ट कर दूं पिस्टन के ऊपर? तो ये हर एक स्टेप एग्जैक्टली रिवर्स होता जाता है बेटा, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, समझ। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ बेटा, रिवर्सिबल क्या है और इरिवर्सिबल क्या है? हाँ
उस डेफिनेशन में कोई डाउट बचा है? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है सर? मेन डिफरेंस यही है ना कि मतलब इरिवर्सिबल में इतना रैपिडली मूव करता है, फिर वो डिफरेंस क्रिएट होता है वैक्यूम का, और फिर वैक्यूम क्रिएट होता है थोड़ी थोड़ी जगह पर, और फिर वो टेंपरेचर कम पर दिखाने का है कि कभी भी उस सिस्टम के लिए मैं कोई एक प्रेशर, एक टेंपरेचर, एक वॉल्यूम डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा, है ना सर? हां बोलो सर। ये प्रोसेस जो आपने अभी समझाया था सेकंड प्रोसेस 10 पार्टिकल का, उसमें ड्राइविंग फोर्स कौन सा था सर? उसमें फोर्स कौन सा था? ड्राइविंग फोर्स? हां सर, उसमें ड्राइविंग फोर्स वो था जो गैस अंदर है, लेट्स से प्रेशर है ना, अच्छा वो इसके अंदर वही तो है जो उसको आगे पुश करेगा बेसिकली, है ना? यस सर। सर ये 100% रिवर्सिबल नहीं हो सकता ना सर? तो 100% रिवर्सिबल तो तभी होगा ना जब प्रेशर एग्जैक्टली सेम होगा, है ना? मतलब ये भी, ये प्रोसेस भी फाइनाइट टाइम में हो ही जाएगा ना, डस्ट पार्टिकल में एक एक करके हटाता रहूं तो 3-4 साल में हटा ही दूंगा, है ना? बट एग्जैक्टली रिवर्सिबल का मतलब है कि जिसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा ना पूरा करने में, है ना? ओके सर, मतलब ये क्लोज टू रिवर्सिबल है। हाँ, ये क्लोज टू रिवर्सिबल है सर, बोल सकते। यस बड़ा लिखे हुआ ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस इज द प्रोसेस in which initial and final state is found to be same. Cyclic process means in which initial and final state is found to be same. फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है, सपोज यहाँ स्टेट वन से मैंने स्टार्ट किया, सपोज यहां से यहां यहां गया मैं, और ये मेरे पास आ गया लेट्स से स्टेट टू, और फिर स्टेट टू से मैं लेट्स से स्टेट वन पे आ गया, तो ये जो पूरी प्रोसेस है कैन वी से साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे वाटर साइकिल है ना, ये तो साइंस ज्योग्राफी एनवायरमेंटल पढ़ा होगा, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। शिखर साइक्लिक मीन्स भाई जो वापिस घूम के उसी पॉइंट पर आ जाए। इस वाले केस में कैन बी से डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू कितना होगा यहाँ? जीरो। जीरो भाई, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम आ गया है ना, बड़े समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है ना? मतलब किसी बच्चों को डाउट है इसमें टाइप ऑफ प्रोसेस में?